गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का हम लोग रिलेशन जानते हैं। क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, ये जानते हैं ना? आंसर यस, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसके पहले, है ना, इसके पिछले क्लास में हम लोग ने इसके बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया हुआ था। क्या हुआ था ना? यस। तो फार्मूला को याद रखो, न्यूमेरिकल आसान होगा। और ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो आगे की क्लास में, है ना? तो आगे कंपटीशन करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है उसको हम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है? कुछ नहीं, न्यूमेरिकल को पढ़ो, क्या दिया है उसको लिखो, फिर उसके बाद देखो क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में है, है तो अच्छी बात है, नहीं तो कन्वर्जन हमें यहाँ आता है, ठीक है? ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है? तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है आपका, एनसीईआरटी का है, ठीक है? ये एनसीईआरटी का है न्यूमेरिकल, ठीक है? ए कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ठीक है? तो यहां से हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमारा वायर होता है वह कहीं सिलिंड्रिकल शेप का होता है और उसको हम काटेंगे ऐसे तो हमको सर्कल जैसा दिखेगा, तो इसको हम लोग ने लिखा रो एल अपान पाई आर स्क्वायर, ये है रेडियस और डायमीटर। तो हमने कंक्लूजन भी बताया था, है ना, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है ना, रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है और उसके डायमीटर पर कैसे डिपेंड करता है, ये सब हमने आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में, है ना? आपको नहीं मिला हुआ है तो आप जो क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ मिलेगा एक तरफ से, है ना? पूरा आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक मिलेगा एकदम आसान से, है ना? और आप उसे खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, एग्जाम के लिए आपका बेस्ट होगा, ठीक है? तो खूब अच्छे तरीके से हमने पढ़ा हुआ है क्या मीनिंग कैसे होता है, ठीक है? ये रहा हमारा। तो अब उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वह रेडियस पर किस तरह से डिपेंड है, तो आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। और डायमीटर कैसा होता है, तो डायमीटर भी ऐसे ही होता है, ठीक है? जिस तरह से रेडियस डिपेंड है उसी तरीके से ये सब एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से हमने एकदम बताया हुआ है, एकदम छकास, ठीक है, एकदम बताया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ये इस तरह से। तो हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं, तो क्या दिया हुआ है, एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर ए है आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, आपको वायर का लेंथ निकालनी है, ठीक है? टू मेक इज रेजिस्टेंस 10 ohm, वह वायर का रेजिस्टेंस है ना क्या है 10 ओम है, तो हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, इस वायर का लेंथ क्या होगा, है ना? डायमीटर दिया हुआ है, उसके रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, उस वायर का लेंथ क्या होगा ये आपको निकालना है, जो जिससे बनाया गया है कितने रेजिस्टेंस से बनाया गया है वह वायर, तो आंसर है 10 ओम रेजिस्टेंस से बनाया गया है, ठीक है? बस आपको दिया क्या है निकालो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को करते हैं, ठीक है? दिया हुआ है एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितने का दिया हुआ है, तो आंसर है 0.5 mm का दिया हुआ है, ये तो डायमीटर है ना, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है, ओम इंटू मीटर, ठीक है, रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ, आपको लेंथ पूछा है, ठीक है? आप दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस, है ना, ये जो वायर है वह 10 ओम के रेजिस्टेंस से बना हुआ है, यानी आर इज इक्वल टू 10 ओम आपको दिया हुआ है, ये है, ठीक है? अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो कहीं कहीं रेजिस्टेंस दिया है, यस दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है, आंसर है यस दिया है, लेंथ दिया है, आंसर है लेंथ ही निकालनी है, एरिया दिया हुआ है, आंसर है नो, आंसर है नो, तो इसका मतलब है पहले हम एरिया को निकालते हैं, एरिया, और एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, आंसर है
पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, है ना। तो अब हमें रेडियस दिया है क्या, आंसर है नो, रेडियस भी नहीं दिया है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आंसर डायमीटर से निकालेंगे। यस, डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये है आपका डायमीटर, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है आपका डायमीटर का हाफ। तो इसका मतलब ये है, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.5 बाई 2 करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0.25 आएगा ना, ये आएगा, और ये आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको हमको कहीं कहीं फिर से हमने, ये हमारा हमको फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ठीक। अब होता क्या है, हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, नोट कर लो, नोट कर लिया, लेकिन इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है एक सिस्टम में नहीं है, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। और ये आपका ओम मीटर, ये तो हमने एसआई में पढ़ा हुआ है ना, ये भी एसआई में है, तो ये हमारा एसआई में नहीं है, ठीक है। तो डायमीटर यानी लेंथ, डायमीटर यानी लेंथ, तो लेंथ कैसा यूनिट, मीटर, तो हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो मिलीमीटर का मतलब 10^-3 आता है, ठीक है, 0.25 × 10^-3 अब आ जाएगा मीटर। ये रहा आपका रेडियस, ये क्या रहा, रेडियस, ये रेडियस रहा। अब हम लोग पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते हैं, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ओके आइए निकालते हैं, ठीक। तो हमको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इस फार्मूले से निकालिए, लेंथ क्या होगा, लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू रजिस्टेंस और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी। तो लेंथ L इज इक्वल टू R इंटू एरिया डिवाइड बाई रजिस्टिविटी, यहाँ से R निकाल, L निकालोगे ना, A इंटू R इक्वल टू रो इंटू L, तो रो को इधर भगाओगे, इधर ले आओगे, यानी भाग हो जाएगा, डिवाइड बाई रो, तो R A डिवाइड बाई रो, ये है बस, वैल्यू निकालिए, आंसर ले जाइए। R की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आंसर है 10 ओम मल्टीप्लाई एरिया, एरिया आपको दिया हुआ है, तो आंसर है एरिया हमको निकालना पड़ेगा, तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ना, ठीक। तो ये रहा एरिया के प्लेस पर ये रखेंगे पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14, उसका राउंड अप कर लोगे तो 3.14 मिलेगा, तो ये रहा 3.14, ठीक है, ये लगभग में आता है 22/7, आप लोग मैथ में पढ़े हो, 22/7 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, लेकिन जो हमारा पाई होता है या कैसा होता है, इरेशनल, है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये सरस होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, तो अब ये हमारा हुआ 3.14 पाई आर स्क्वायर आर, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा ना, तो ये हुआ 0.25 × 10^-3 का होल स्क्वायर, ये हुआ आर की वैल्यू, ये रहा पाई आर स्क्वायर यानी ए का वैल्यू, ठीक है, आर पाई आर स्क्वायर अपान रो, ये फार्मूला से लिख सकते हो ना, ठीक। तो आर की वैल्यू 10, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू ये रहा और इसका स्क्वायर ये रहा स्क्वायर, डिवाइड बाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी है आपका 1.6 × 10^-8, ये रहा, ठीक है, समझ में आया ना, बस। तो L इज इक्वल टू ठीक है, ये रहा 10 इंटू क्या होगा, 3.14 होगा मल्टीप्लाई 0.25 का होल स्क्वायर, यानी है 25, तो 25 का स्क्वायर करो क्या होगा, 625, तो ये आया 625, और दो अंक पे दशमलव था तो दो दशमलव पर यानी 2 times मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 प्लेस पर डेसिमल, ठीक है, तो 0.0625 इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10^-3 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 6 तो 10^-6, ठीक, डिवाइड बाई ये रहा 1.6 × 10^-8, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को देखते ही आपको नींद आने लगती है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, एकदम हलवा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम हलवा है, कैसे, ठीक है, इस तरह से सबसे पहले जो 10^ वाले हैं उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर बचे हैं, जो डिजिट बचे हुए हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर जाओ, आंसर ले जाओ,
खटाक से, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, 6-7 में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। डेसिमल को लेफ्ट साइड खिसकाओगे तो पावर आपका पॉजिटिव बढ़ता है ना। डेसिमल को आप राइट साइड खिसकाओगे तो जो पावर होता है वो आपका निगेटिव होता है, ऐसा होता है ना। आंसर यस। देखिए जादू, मान लीजिए ये 1 प्लेस पर डेसिमल है और यहाँ पे 2 प्लेस पर है, तो अगर हम इस वाले डेसिमल को यहाँ पे लाएं, 1 और 4 के बीच में लाएं, ठीक है, तो ये डेसिमल एक रिमूव हो जाएगा। ये डेसिमल हटाया हमने और इस डेसिमल को यहाँ लाया, एक अंक किसका मर गया ना, तो ये हुआ ये रहा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ना, ठीक है, ये डेसिमल हट गया, बात खत्म। अब देखिए जादू, देखिए इस डेसिमल को इस साइड लाओ, इस डेसिमल को इस साइड लाओ, तो कितना प्लेस डिस्प्लेस किए, एक प्लेस, वो भी किधर, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड जाने पर पावर जो होता है 10 के पावर माइनस में आता है। राइट जितने प्लेस जाओगे उतने 10 के पावर माइनस होता है, तो एक प्लेस राइट साइड जाओगे तो 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो लिखिए इसको, ठीक है, L इज इक्वल टू, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख लो, ठीक है, L इज इक्वल टू, ये रहा 10, देखो 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6, तो ये +1 है, ये -6 है, तो कितना आएगा, 10 के पावर माइनस 5 आएगा। तो 1 माइनस 6 कितना आएगा, -5, तो 10 के पावर माइनस 5 आएगा। तो ये रहा 10 के पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू, अब देखिएगा ये रहा, अब ये 10 और ये फिनिश हो गया, इसको सॉल्व कर लिए, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करनी है, देखो एक अंक इधर लाओगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो 314 इंटू 10 के पावर माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये डेसिमल को हमने यहाँ पे खिसका दिया, तो ये 314 हो गया, है ना। तो अब इस डेसिमल को पकड़ के यहाँ पर लाओ तो ये भी डेसिमल हट जाएगा, तो 625 आएगा। तो एक प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस, फोर प्लेस, तो फोर प्लेस हमने डिस्प्लेस किया, तो फोर प्लेस राइट साइड डिस्प्लेस किया हुआ है, तो राइट साइड जाने पर 10 के पावर माइनस होते हैं, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, तो दशमलव यहां पर आ गया, तो इसको हमने लिख दिया डायरेक्ट 625 गुणे, ठीक है, हुआ ना, तो 625 हो गया। अब ये डेसिमल हट गया, तो लेकिन मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर में, प्लस आएगा कि माइनस, राइट साइड ले जा रहे हो तो आएगा माइनस 1 2 3 4, तो ये रहा -4, बस, ठीक है। डिवाइड बाई, देखिए 1 6 1 6, ठीक है। अब ये 10 के पावर माइनस 8 है, तो 10 के पावर माइनस 8 है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाओ तो ये जो -8 है ऊपर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ 10 के पावर प्लस 8, ठीक है, आ गया ना, बस सॉल्व करो, आंसर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई 625, ठीक है, ये नंबर बचे हुए हैं, बाकी तो 10 के पावर वाले हैं, तो 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर माइनस 1 और 10 के पावर माइनस 4, तो 10 के पावर माइनस 5 माइनस 1, तो बेस सेम है, पावर को जोड़ दो, तो -5 -1 कितना हुआ, -6 और -4 -10, तो ये 10 के पावर माइनस 10 इंटू 10 के पावर पॉजिटिव 8 हुआ, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे आया था, ऊपर ना यहाँ पे, और डिवाइड बाई क्या मिला था, 16, बस सॉल्व करिए, तो L इज इक्वल टू 314625 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो क्या इसका मल्टीप्लाई करिए, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 314 गुणे 625 मल्टीप्लाई करो, खटाक से मल्टीप्लाई करो। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे कुछ नंबर मिलेगा ना यहाँ पे, ठीक है, आंसर यस। अब 10 के पावर माइनस 8 है, 10 के पावर माइनस 8 है और ये 10 के पावर 8 है, तो -10 + 8 तो -2, तो 10 के पावर माइनस 2, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है, 16, मल्टीप्लाई किए इसका मल्टीप्लाई किए कितना आया, 16, क्या है बताओ, हम भी देख लेते हैं, ठीक है, बोलो कितना आंसर आएगा, ये रहा आपका, ठीक है, 1962 50, जब 314 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा,
आएगा ना आंसर? यस आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा आपका, ठीक है 196250, ठीक है जो भी आएगा, है ना, आपका भी आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, मेरा भी कुछ दूसरा, मल्टीप्लीकेशन है ना। ओके तो ये हुआ, बस अब हुआ क्या, 196250 में 16 का डिवाइड करोगे, डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिए इसमें, जब इसमें 16 का डिवाइड करोगे यानी 196250 डिवाइड बाई 16 क्या आएगा, ठीक है जो भी आएगा करिए, भाग करिए, तो L इज इक्वल टू आएगा 122.76, जो भी आएगा करिए, तो 1.22 ये 122 पॉइंट क्या आएगा, भाग करो, ठीक है करिए करिए करिए, ये आएगा आपका, ठीक है जब आप 196250 में भाग करोगे, ठीक है 16 का, तो ये आएगा, ठीक है और ये रहा आपका 10^-2, ठीक है। और हमने आपको बताया ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ओके तो ये रहा मल्टीप्लाई। अब देखिए आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपका आंसर लानी है, तो आंसर लाइए, है ना आंसर लाइए। तो देखिए ये आपका जो डेसिमल है, डेसिमल वन प्लेस टू प्लेस राइट साइड डिस्प्लेस कर देंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 1 2 2, ये रहा डेसिमल यहां पर है, वन प्लेस टू प्लेस 2 6 5, ठीक है 6 2 5 इंटू, अब देखो टू प्लेस हमने लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया हुआ है, तो 10^ क्या हो जाएगा +2, लेफ्ट साइड +2 इंटू 10^-2, अब 10^+2 10^-2 2-2 = 0, तो 10^0 इज इक्वल टू 1, अब 1 इंटू ये करोगे यही आएगा, तो जो आपका लेंथ होगा L इज इक्वल टू ये 122.65, ठीक है 6 5 5 6 2 5, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लोगे, राउंड ऑफ कर लोगे तो राउंड ऑफ करोगे तो 122 पॉइंट, ये 5 है 6 के जस्ट बाद 5 है, ठीक है तो 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो इसको 1 प्लस कर देता है, तो ये होता है 7 और SI यूनिट लेंथ का मीटर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है जब तक आपको गुणा भाग नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, गुणा भाग तो आता है, ठीक है ओके ये बहुत ही ईजन आसान बहुत ही इजी आपका न्यूमेरिकल रहा, ठीक है तो ये कर लीजिएगा। ओके इसी में एक क्वेश्चन और है आपका, है ना बी बी देखिए बी क्या है, बी है आपका हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल्ड, है ना डायमीटर जब डबल हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था, इसके पहले रिजल्ट हमने बता चुका हुआ आपको, ठीक है तो रेजिस्टेंस और डायमीटर का क्या रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस पहले जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, तो पहले जो रेजिस्टेंस होगा वह होगा 1/d², ये था जो भी d की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कुछ होगा, आंसर यस ठीक है। और कहा है कि जब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, जब डायमीटर कैसा हो जाए डबल, तो R नया रेजिस्टेंस हमारा होगा इक्वल टू 1/d, डी मीन्स क्या हो जाए तो आंसर है 2d हो जाए, ठीक है तो डायमीटर आपका कैसा हो जाए, डायमीटर आपका डबल हो जाए, तो जो पहले डायमीटर d था अब वह डबल हो गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आंसर है R′=1/2² 4 और ये रहा d², और 1/d² क्या है, तो 1/d² है पहला वाला रेजिस्टेंस, ठीक है तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस होगा ये रहा 1/4 ऑफ पहले वाले रेजिस्टेंस का, ठीक है तो यही है। तो अगर रेजिस्टेंस सॉरी अगर आपका डायमीटर डबल हो जाए, डायमीटर आपका कैसा हो जाए डबल हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है तो डायमीटर डबल होने पर 1/4 उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से रेडियस को भी पूछ सकता था, रेडियस हाफ करो डबल करो तो क्या हो सकता है उसका रेजिस्टेंस,
समझ आ गया ना। तो ये हमारा था एक न्यूमेरिकल, ठीक है, ओके। तो आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर से आपको अगले टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है ना आपको कराते जाएंगे, और जैसे ही आपका चैप्टर पूरा होता है तो हम ढेर सारे न्यूमेरिकल और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है यानी एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन, ठीक है, करा देंगे आपको, ठीक है, नोट भी करा देंगे उसको, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा अलग से, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।